हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम के स्टेटमेंट की अगर बात करें तो उसके हिसाब से मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, उसमें से अगर पावर बाहर की तरफ आ रहा हो तो ये पावर बराबर होगा उस वॉल्यूम में जो एनर्जी डेंसिटी है उसके डिक्रीमेंट के। इसको मैथमेटिकली अगर देखें तो मैथमेटिकली यहाँ पर है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सिग्मा ई स्क्वायर डी वी माइनस डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 1/2 म्यू एच स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी वी। यहाँ पे दो पार्ट्स में 1 और 2, और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन में जो कर्ल वाली इक्वेशंस थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के, उन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो पहली इक्वेशन अपने पास में है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन को ई से ऑपरेट करेंगे विद डॉट प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम लोग एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे जो वेक्टर की है। इसके हिसाब से यहाँ पर लिखा है डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। मैंने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल इस वाले पार्ट में किया है। अगर आपको ये करके देखना हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो अपना आंसर इतना आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वाले पार्ट को मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से इस प्रकार से लिख दिया है। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई थर्ड, बाकी राइट हैंड साइड एज इट इज। चलिए अब आगे देखते हैं इक्वेशन थर्ड में ये जो पार्ट है डेल क्रॉस ई का, किसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर रहा हूं। रखने के बाद अपनी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ये हो गया एच डॉट माइनस में म्यू डेल जे बाय डेल टी माइनस में डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने इस वाले पार्ट को यहीं पे रखा हुआ है, बाकी उस पार्ट को ट्रांसफर कर दिया है राइट हैंड साइड में। अपने ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन को मैं कुछ रिप्लेसमेंट्स करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर जे की वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूँगा सिग्मा ई में, ऐसे ही ये जो पार्ट है इसको कन्वर्ट करूँगा ई को कन्वर्ट करूँगा। तो रिप्लेसमेंट्स थोड़ा ध्यान देना क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आते हैं रिप्लेसमेंट्स में। देखिए ये डेंसिटी है, डेंसिटी को मैंने लिखा है सिग्मा ई में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पार्ट है जो आपने देखा अभी इक्वेशन नंबर 5 में ये जो पार्ट है इसको मैंने कन्वर्ट किया है इस फॉर्म में। थोड़ा ध्यान से देखना आप इसको। अगर मैं इस वाले पार्ट को पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी तो मेरा ये वाला पार्ट बन जाएगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देख सकते हैं। सेम इसके साथ किया है, इन दोनों को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब इन तीनों रिप्लेसमेंट्स को इक्वेशन नंबर 5 में रखकर देखें तो अपना इक्वेशन बन जाएगी इस प्रकार से, आप देख पाएंगे यहां पर डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल टी 1/2 म्यू एच स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल टी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लिया इसको, कॉमन ले लिया है दोनों टर्म्स को। फिर हम इस वाली इक्वेशन को,
जो हमारी नई इक्वेशन बनी है सिक्स इक्वेशन, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों तरफ ओवर अ वॉल्यूम। आप देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है, मैंने दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल से ऑपरेट कर दिया इसको।